हेलो एवरीवन, मैं वसुंधरा बानुड़ा लाई हूँ आपके लिए सोशल मीडिया जगत से जुड़ी हुई कुछ मजेदार और इंस्पिरेशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ। तो पहली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिस्ट सोनल देवराज के इंस्टाग्राम हैंडल भैया जी स्माइल से। सोनल ने अपने इस इंस्टाग्राम पेज पर स्टोरी में एक डांस रील शेयर की है और अपने फॉलोअर्स से उनकी इस रील के साथ में रिमिक्स कर भैया जी स्माइल को टैग करने के लिए कहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा उनमें से कुछ चुनिंदा रील्स को वह अपनी स्टोरी में साझा भी करेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली जानकारी की तरफ। हमारी अगली जानकारी है आर्टिस्ट मलिका दुआ से जुड़ी हुई। मलिका दुआ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में द साउंड ब्लेज की हाल ही में मास्क पर बनाई हुई एक बड़ी ही फनी रील को शेयर किया है। मलिका दुआ ने द साउंड ब्लेज को मेंशन करते हुए यह भी लिखा है कि वह उनकी हर वीडियो से ऑब्सेस्ड है और इसी तरह की और भी मजेदार रील्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लिंक पर जाने से पहले हमारी नेक्स्ट अपडेट्स लेते जाइए। हमारी नेक्स्ट अपडेट है RHA इंडिया के बारे में। रॉबिनहुड आर्मी इंडिया ने अपनी इंस्टाग्राम पेज पर द बेटर इंडिया की एक स्टोरी शेयर की है। इसमें जूनागढ़ सिविल हॉस्पिटल के सभी मरीजों को आर गोदार फार्म के किसान इस महीने की फ्री कोकोनट डिलीवरी देंगे। आज जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहां इस तरह के कार्य बहुत सराहनीय हैं। हमारी अगली जानकारी है डिजिटल क्रिएटर सफल विद आकांक्षा के बारे में। आकांक्षा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में वायरल भयानी की एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें एक दंपति ने दूसरे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए अपने गहनों को बेच दिया और बाद में जब इस दंपति को जरूरत पड़ी तो कुछ ही दिनों में लोगों ने लगभग 33 लाख रुपए की धनराशि डोनेट की। इस पोस्ट को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और ऐसी ही मजेदार जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ टंक के साथ। धन्यवाद।